जैसे साहब सूर्या पर सूर्या कुमार साहब कर्नाटक साहब सतीश रेड्डी साहब सैयद हबीब साहब और जितने जिम्मेदारान हैं जो प्रोग्राम से पहले भी मुनक्किद किया गया था आपकी ऑफिस में जिससे साहब की ऑफिस में मकरमा भी थे आप भी थे देखिए आप लोग घर जा रहे हैं एक लेडी 600 घर का जिम्मा ले गए मैं नहीं समझता कि आप सब लोग 600 घर तक जाएंगे और उन पर बनी सकते आप लोग कोशिश कर रहे हैं मगर साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद का काम सबसे पहले जीएचएमसी की तरफ से होना चाहिए हमारे डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से मैं इससे पहले की मीटिंग में कहा मैं कि भाई आप घर से कचरा तो बाहर निकाल रहे हैं आप लोग जो कच्चा है जो सूखा है उसको आप घर में जाके बात कर रहे हैं लेडीज से मिल रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं 10 को अगर आप समझाए तो 2-4 लोग वो लोग में अवेयरनेस आ रहा होगा या 10 के 10 में अवेयरनेस आ रहा होगा मगर असल काम जीएचएमसी का है वो लोग घरों से तो कचरा आप लोग बाहर निकाल रहे हैं मगर जब आके रोड पे पड़ जाता है कचरा रोड पे गिर जाता है उसको 4-4 दिन तक उनको उठाने के लिए कोई आदमी नहीं है यहाँ पर एक इतने बड़े एरिया में एक ऑटो कितने घर तक पहुंचेगा एक ऑटो आप बताइए ये मीटिंग रखने का मकसद क्यों खत्म कर दे रहे हैं आप लोग अगर सिर्फ ऐसी बैठ के अगर हमको मीटिंग करना है सब लोग जमा होकर बात करें उसके बाद अपने घरों को जाना है तो ये मीटिंग बेमकसद है मीटिंग इससे पहले मैं हमारे डीसी साहब से बोला कि लेबर्स को बढ़ाइए आपके पास ऑटो नहीं है आपके पास लेबर नहीं है आपके पास लिफ्टिंग करने के लिए गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है आपके पास तो क्या आप कचरा आप साफ करेंगे जो पत्थरगट्टी में मैं समझता हूँ हजारों टूरिस्ट हमारे हैदराबाद को चारमीनार देखने आते सालारजंग म्यूजियम देखने आते मक्का मस्जिद देखने आते ऐसे कई चीज यहाँ पर मौजूद है चौमहला पैलेस है लाल बाजार है मगर सबसे पहले अगर टूरिस्ट हमारे पास आके अगर देखता है तो वो कचरे का अंबार देखता है सालारजंग म्यूजियम पत्थरगट्टी में है चारमीनार पत्थरगट्टी डिवीजन में है यूनियनी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है साउथ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यूनियनी हॉस्पिटल मगर वहां पर एक बहुत बड़ा डंपर भी लगा हुआ रहता है मगर कचरा इतना रहता है दो दिन तक लिफ्टिंग नहीं होती जो लोग बीमार अपने दवा के लिए अंदर आते हैं और बीमार होकर घर को वापस जाते हैं साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद की अगर आपको मीटिंग करना है तो जीएचएमसी के सैनिटेशन के पूरे अहदेदारों को यहाँ बुलाइए आप ये लोग तो वॉलंटियरी काम कर रहे हैं जो एमओच है उनको बुलाइए सैनिटेशन के जितने लोग हैं उनका पूरा यूनिट्स को आप बुलाइए मीटिंग लीजिए आप देखिए सालारजंग म्यूजियम का क्या बुरा हाल है वहां पर अरे आप यहाँ से निकलिए ये वाटर टैंक है देखिए आप सब जाके देखिए कम से कम एक 4 लारी कचरा है यहाँ राइट साइड पर जाइए हाफिज डंका मस्जिद है वहां पर 2-3 लारी हमेशा कचरा मौजूद रहता है आप यहाँ से बी बाजार चौरस्ते पर चले आइए वहां पर 2-4 लारी हमेशा रहता साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद की मीटिंग लेना है सर इनको तो बुलाइए आप ये लोग मेहनत कर रहे हैं घरे घर फिर रहे मगर सैनिटेशन के तमाम जितने डिपार्टमेंट के अहदेदार हैं उन सबको बुलाइए सर आप ऐसा काम नहीं होता ऐसा हम दिन में 10 मरतबा फोन करते जाइए मिरालम मंडी कौन मिरालम मंडी का काम कर रहा हूँ एक औरत मिरालम मंडी का क्या काम करेगी साहब मिरालम मंडी में 3 यूनिट है कचरे के सुबह से लेकर शाम तक कई लारी कचरा वहां पर आता है साफ करने के लिए कोई नहीं है साहब अगर सबसे ज्यादा अगर डेंगू का हो रहा है केसेस तो ओल्ड सिटी के अंदर हो रहा है इसलिए के तमाम अहदेदार ओल्ड सिटी को नजरअंदाज कर दिए सर कोई काम नहीं कर रहा मैं आपको इससे पहले भी बोला मैं मिरालम मंडी का इतना बुरा हाल है आप जाके एक नजर आप देख तो लीजिए आप उसके बाद यहाँ बैठ के क्या बात करते हैं हमको भी पता चलेगा आप यहाँ बैठे हुए हमारे सतीश रेड्डी बताइए आज मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ कल मैं इनके बड़ों से बात करा मैं मगर एक गाड़ी नहीं है हमारे पास कितने केस है पूरे दवाखाने भरे हुए हैं छोटे बच्चों से डेंगू के लिए क्या साफ सफाई का काम कर रहे हैं आप लोग क्या साहब आपके पास गाड़ी है एक बड़ी गाड़ी है आपके पास नहीं है गाड़ी इनके पास आप सीधा बोल दे रहे गाड़ी हमारे पास आई नहीं गाड़ी सैंक्शन नहीं है ना आपके पास फिर कब सैंक्शन देंगे सर आप लोग ये मीटिंग का मकसद क्या है अरे हम आवाम को राहत पहुंचाना है घरों में बीमार है मैंने आपको कल मैसेज दिया डेंगू केस के हाँ साहब आप अटेंड कर रहे ना मैं बोले तो आप अटेंड कर रहे ना एक दिन के बाद ही सही मगर अटेंड कर रहे
मगर आप अगर इससे पहले अगर आप काम करते सेंक्शन लेते आप घरों एरियो में अगर फिरता क्या साहब थोड़ा सर का धुएं के लिए लोग परेशान है आप थोड़ी दवा देके भेजते आप शिवा को क्या कितना कितने गली कवर करता इतना बड़ा एरिया है एक आदमी क्या कवर करेंगे आप बताइए आप बोलना आपके बड़ों को बिठाना बात करना तो सही होता ऐसी मीटिंग ले लेके खाली अपन बैठेंगे बात करेंगे मीटिंग हो गई बोले तो नहीं साहब आपसे जिस हिसाब आपसे रिक्वेस्ट है मीटिंग लेना है तो सबको बुलाना सैनिटेशन के तमाम लोगों को बुलाना आपके तमाम लोगों को बुलाना सबको बुलाना बैठना क्या प्रॉब्लम है एरिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर बहुत प्रॉब्लम है आप हम लोगों को डॉक्टर ट्रीटमेंट करके कुछ भी फायदा नहीं हो रहा सर हाँ। हम पहले भी बोले जो सैद ड्राइवर को ज्यादा करिए और रिक्शा वालों का हाल क्या है या नहीं है चलना नहीं है बात करना एक बोलो बोलो माँ बोलो माँ बोलो कैसे उन्होंने मैनेज करेंगे डॉट टू डॉट करके कचरा ले रहे उन्होंने जाने का नहीं हो रहा वो रिक्शा से ही होंगे तो ही उन्होंने कचरा उठा पाएंगे ना सर सर एक ऑटो वाले को कितने घर ले रहे हैं सर आप लोग 600 घर से दिन में अटेंड करना अल्टरनेटिव 600 अटेंड कर सकता सर आप बोलिए आप 100 घर अटेंड नहीं कर सकता एक ऑटो वाला और ऑटो वाला वही घर को जाता है आप आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ इससे पहले भी बोला गरीब के घर को ऑटो वाले को जाकर कचरा लियो बोलो जो लोग गरीब है कुछ नहीं दे सकते 10 रुपए 20 रुपए दे सकते होंगे आप उनके घर से आपके आपके लोगों को बोलो कचरा लियो बोल के अरे 50 रुपए देने के लिए गरीब तैयार है उनके घर से कचरा नहीं उठाता इसलिए नहीं उठाता वो ऑटो वाला के ये गरीब लोग है बोल के नहीं उठाता सब लोग पैसे देने के लिए भी तैयार है लेकिन हर रोज ऑटो वाला कचरा घर से लिए एक ऑटो वाले को 600 घर देने साहब अल्टरनेट काम कम्प्लीट नहीं कर पहुँच पाएंगे वहाँ पर 100% लोग कचरा देने के लिए दे रही है और सूखा कचरा हाँ देखिए आप सूखा कचरा गीला कचरे की बात कर रहे हैं घर से निकलेगा तो आएगा कहाँ पर वो कहाँ पर आएगा नहीं सर घर से तो निकलेगा कचरा आप बोल रहे हैं सूखा अलग रखो गीला अलग रखो तो रोड पे तो आ रहा ना एक एक अगर डंपर बिन लेकर लगा हुआ है तो उसमें भी कुछ पार्ट बने हुए हैं क्या खाने बने हुए हैं क्या उसमें नहीं भाई घर वालों को तो आप बोल रहे हैं सूखा अलग रहो गीला अलग लेकर आओ देखिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीसी साहब ऐसा काम नहीं होता आप या ऑटोज बढ़ाइए या लेबर्स बढ़ाइए आप लिख के दीजिए आप डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर है आप लिख के दीजिए कि यहाँ प्रॉब्लम है बोलिए सुने सर करुणाकर सर आप बहुत अच्छा बात कर रहे थे हमारे डीसी सर मौजूद है हमारे सतीश रेड्डी यहाँ मौजूद है मगर सर काम होना गरीब के घर तक पहुँचना है हम नहीं पहुँच पा रहे सर आपके लोग नहीं पहुँच पा रहे गरीब के घर तक बिल्डिंगों में जाके कचरा लेते क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिलता जाओ बोलो टीन शेड के घर में अस्बस्तास के घर में जाओ बोलिए उनको खुद जाके लेता क्या आप बोलना सर आपके लोगों को आप बोलना डीसी साहब आप बोलना ठीक है।